स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वेस्ट इंडीज के जाने माने और तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप 2019 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम में ब्रायन लारा के बाद क्रिस गेल का ही नाम सामने आता है। क्रिस गेल दुनिया भर की T20 लीग में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो पिछले काफी समय से वेस्ट इंडीज टीम के लिए नहीं खेले हैं। गेल ने अपना आखिरी वनडे मैच बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई 2018 में खेला था, लेकिन हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज टीम में उनका चयन हुआ है। अपनी धुएंदार बल्लेबाजी से तो गेल ने फैंस का दिल जीता ही है, पर इसके साथ गेल ने अपनी गेंदबाजी से भी टीम में कई बार अहम भूमिका निभाई है। गेल ने अब तक 165 विकेट लिए, वे 3 बार मैच में 4 और 1 बार 5 विकेट ले चुके हैं। 46 रन पर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। वहीं ज्यादातर स्लिप में फील्डिंग करने वाले गेल के नाम 120 कैच भी हैं। वे देश के लिए सर्वाधिक कैच लेने वाले कार्ल हूपर और ब्रायन लारा के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। 39 साल के गेल ने 2015 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रनों की पारी खेली थी, जो वनडे में किसी भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। गेल ने अब तक 284 वनडे मैचों में 9727 रन बनाए हैं, जिसमें 23 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं।